2020 का बजट पास हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र की शुरुआत करने से पहले उन्होंने एक कविता से उसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा, हमारा वतन फिर से हुआ शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन। उसके बाद उन्होंने बजट की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने पीएम कुसुम स्टेट ओलंड सोलर पंप के लिए 20 लाख किसान को शामिल किया। उन्होंने कहा, पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है। आदर्श कानूनों को क्रियान्वित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन का प्रस्ताव होगा। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की प्रतिबद्धता। पीएम कुसुम में स्टेट ओलंड सोलर पंप के लिए 20 लाख किसान शामिल होंगे। दूध, मांस तथा मछली समेत खराब होने वाली वस्तुओं के लिए किसान रेल चलाई जाएगी। नगर विमान मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान की शुरुआत करेगा। उन्होंने 2020 के बजट में इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार समुद्री मत्स्य संसाधनों के प्रति फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है। 2022 से 2023 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव है। 2020 से 2021 के लिए 15 लाख करोड़ का कृषि ऋण लक्ष्य है। प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल होंगे। किसानों की बेहतरी के लिए बजट में 16 बिंदुओं की कार्य योजना की घोषणा, राज्य को प्रोत्साहन देने के उपाय हैं। इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया गया है। टीवी हारेगा तो देश जीतेगा, ये उन्होंने कहा। इसके बाद उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ODF प्लान के प्रतिबद्ध है। 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र का विस्तार होगा। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ का प्रस्ताव है। वहीं जन जीवन मिशन के लिए 3.60 करोड़ रुपए का अनुमोदन। उसके बाद उन्होंने कहा, जल्द होगी नई शिक्षा नीति की घोषणा। शिक्षा नीति के लिए लगभग 99,300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। वहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश करते हुए कहा, उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए बनेंगे 100 नए एयरपोर्ट। हमारी समुद्री बंदरगाहों को और दक्ष बनाने की आवश्यकता। उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 100 और विमान पत्रन तैयार किए जाएंगे। 2021 में परिवहन और संरचना के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया गया। उन्होंने इसके बाद बजट को पेश करते हुए कहा कि 6 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए स्मार्टफोन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आश्चर्यजनक रूप से सुखद नतीजे देखने को मिले हैं। इस साल 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू होम कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। 6 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने अनुसूचित जातियों के लिए भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। सिविल सिस्टमों या टैंकरों की सफाई का कोई मैनुअल नहीं होगा। पोषण संबंधित कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। वहीं अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 85,000 करोड़ का प्रस्ताव है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग के लिए लगभग 9,500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। 5 पुरातत्वक जगहों पर म्यूजियम बनेगा। हस्तिनापुर, शिव सागर, डोलावीरा, आदि चेलुनूर, राखीगढ़ी, इसके अलावा रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनेगा। इस बार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिए जाएंगे 25,000। अहमदाबाद के लोकतल में पोत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। 2020 से 2021 के लिए संस्कृति मंत्रालय के लिए 3,150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। भारतीय धरोहर एवं संरक्षण संस्था की स्थापना होगी। बड़े नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए 44 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने तमिल कवि की कविता सुनाई।
वित्त मंत्री ने तमिल कवि तिरुवल्लूर की कविता सुनाई जिसमें 5 तत्वों का जिक्र है। वित्त मंत्री ने तमिल कविता का अनुवाद किया। वित्त मंत्री ने 5 तत्वों की तुलना पीएम मोदी के फैसलों से की जिस पर विपक्ष ने हंगामा किया। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव। साल 2020 में भारतीय G20 अध्यक्षता की मेजबानी करेगा। इसकी तैयारी के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। लद्दाख के लिए 5,960 करोड़ रुपए आवंटित। नव गठित संघ राज्य क्षेत्र के लिए 2020 में 30,737 करोड़ रुपए का आवंटन। लद्दाख क्षेत्र के लिए 5,960 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ये थी बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें जो निर्मला सीतारमण ने 2020 के बजट सत्र को पेश करते हुए कहा। आगे भी जुड़े रहिए जेड न्यूज के साथ, देखते रहिए हर छोटी बड़ी खबर। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।